हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पहुंच गई हूँ एक नई जगह पे, एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ी हूँ एंड यहाँ पे बनाए जा रहे हैं कुछ अच्छा सा खाना। लेकिन मैं कहाँ गई हूँ, किस रेस्टोरेंट में गई हूँ, ये तो आपको पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। एक्चुअली उस दिन इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। तो इसीलिए हमने रेस्टोरेंट का बाहर का जो नज़ारा है, जिसमें होर्डिंग वगैरह लगाया जाता है, रेस्टोरेंट का नाम होता है, वो वीडियो हमने कैप्चर नहीं कर पाए। बहुत तेज़ बारिश था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर सामने ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि तंदूरी रोटी वगैरह और नान वगैरह इधर ही बन रहा था। एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको शवरमा रोल। वैसे तो बहुत सारे वेराइटीज़ है यहाँ पे शवरमा रोल का, वो तो आपको आगे जाके मेनू में ही दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है जो कि दिख रहा है अभी। वैसे तो मेनू में बहुत सारे वैरायटीज अवेलेबल थे जो कि आपको आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा। जब हम लोग अंदर जाएंगे एंड हम लोग ऑर्डर करेंगे तभी मैं आपको मेनू दिखा दूंगी। बट उससे पहले आपको एक काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है, मेरे चैनल पर आप लोग नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम लोग आज गए हैं, ये दिख रहा है आपको, आचार्य विहार का चौक। भुवनेश्वर आचार्य विहार के चौक के पास ही रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नम नम। तो नम नम शायद सबको पता होगा, ये बहुत अच्छा एक छोटा सा और नया रेस्टोरेंट है। तो ये आचार्य विहार का चौक है और कितना तेज़ बारिश हो रहा था ये आपको दिख ही रहा होगा। तो फिर चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या ऑर्डर किया है। फिर नम नम रेस्टोरेंट के अंदर कुछ इस तरह सा आपको सीटिंग एरिया मिल जाएगा, छोटा सा है लेकिन बहुत क्यूट है। एंड इसका वॉल पेंटिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फोटोजेनिक है। एंड यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा इस तरह सा एक पेंटिंग रखा गया था जहाँ पे आप लोग फोटो वगैरह ले सकते हो। आचार्य विहार चौक के पास ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप लोग चाहो तो जाके खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का। ये था इसका मेनू, ये है नम नम का मेनू। तो फिर चलिए देखते हैं कि इसके मेनू के अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पे लिखा गया है आचार्य विहार स्क्वायर भुवनेश्वर। और सूप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वेज नॉनवेज दोनों में। बहुत सारे इंडियन डिशेस यहाँ पे प्रेजेंट है, चाइनीज़ वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग मेनू को पॉज करके देख सकते हो। एंड रिजनेबल, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल था। नॉनवेज का तो थोड़ा ज़्यादा होगा ही, लेकिन वेज और बाकी सब फिर भी बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा खाना। मेनू देखने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हमने ऑर्डर किया था मनचाओ सूप, जो कि गर्मा गर्म बना के यहाँ पे हमें दिया गया था, क्योंकि बाहर कितने ज़ोर से बारिश चल रहा था ये तो आप सबने देख लिया। तो इसमें कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए हमने ऑर्डर किया था। दिस इज़ माई फेवरेट, दैट इज़ मनचाओ सूप। एंड उसके साथ में मिला था फ्राइड चाओ। एंड इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा था, लाइक जितना थिक होना चाहिए उतना था, ज़्यादा ऐसे थी नहीं था इसका कंसिस्टेंसी। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे मनचाओ सूप, और मनचाओ सूप का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, जिस तरह से होना चाहिए मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी भी ठीक था एंड टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। इसका प्राइस आपने ऑलरेडी मेनू में देख लिया है, ये ओनली 50 रुपीज़ का था। एंड 50 रुपीज़ में मनचाओ सूप आपको थोड़ा अच्छे वाले रेस्टोरेंट में कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही अच्छा था, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। तो फिर अभी मैं मज़ा ले रही हूँ अपना मनचाओ सूप का। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो नोटिफिकेशन का बटन है, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे चैनल रिलेटेड आ सके। एंड अगर आप लोग कभी नम नम जाते हो तो मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पूरा आचार्य विहार के चौक के ऊपर ही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं उसके आसपास, तो शायद सब लोग गए भी होंगे। अगर आप गए हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपने क्या ऑर्डर किया था और आपको टेस्ट कैसा लगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था मिक्स वेज, और क्वान्टिटी आपको दिख ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में था। एंड टेक्स्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है मिक्स वेज का।
एंड इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स इन्होंने डाला था, इसमें मशरूम भी था, इसमें पनीर भी था एंड जो भी सारे वेजिटेबल्स मिक्स वेज में होना चाहिए वो सब कुछ था। एंड टेस्ट काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा तीखा नहीं था, ज़्यादा मसालेदार ऐसा कुछ नहीं था, आपको बहुत हेवी नहीं लगेगा खाने के बाद, तो बहुत अच्छा था। मिक्स वेज के साथ हमने ऑर्डर किया था नान, एंड नान यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये एक ही नान था, मैंने एक ही नान ऑर्डर किया था जो कि दो पीसेस में आए थे एंड काफ़ी था मेरे लिए, इसीलिए मैंने बस एक ही नान ऑर्डर किया था। एंड यहाँ पे मैं खा रही हूँ, लाइक नान का जितना सॉफ्टनेस होना चाहिए, जितना क्रंचीनेस और जितना हार्डनेस होना चाहिए उसी तरह से था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। एंड मिक्स वेज का तो क्वालिटी आपको मैंने दिखा दिया, क्वान्टिटी दिखा दिया, एंड अभी मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। मतलब टेस्ट नॉर्मल था, जैसे होना चाहिए उस तरह से था। एंड सामने मैंने आपको दिखाया कि पूरा गर्मा गर्म ये लोग बनाते हैं, तंदूरी रोटी हो या फिर नान वगैरह आगे ही बनता है, तो पूरा गर्मा गर्म फ्रेश खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अंदर भी इनका एक किचन है जहाँ पे बाकी सब कुछ बनता है एंड बाहर बस ये तंदूरी आइटम बनता है एंड जो रोल वगैरह वो सब कुछ बनता है। एंड यहाँ पे मॉकटेल वगैरह का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो खाने के बाद कुछ लेने के लिए तो आप लोग वो भी ऑर्डर कर सकते हो। एंड जैसे कि वाइब मैं आपको दिखा रही हूँ, वाइब काफ़ी अच्छा था, छोटा सा है लेकिन अच्छा है और आप लोग बैठ के आराम से अपना खाने एंजॉय कर सकते हो। तो मैं तो अपना खाना एंजॉय ही कर रही थी और जितना मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे अच्छा लगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, आप लोग जाइए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जाइए। मेरे पीछे भी बहुत सारे लड़कियां बैठी थी, वो भी फ्रेंड्स थी, वो भी आए हुए थे, एंड आप लोग जाइए एंड मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। तो ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैं तो सब कुछ नहीं खा पाई, मैं उसको पैक करके ले आई थी। अब अगर आप लोग भी नहीं खा पाओगे जाके तो आप ही पैक करके ले आ सकते हो। एंड जब इतना तेज़ बारिश हो रहा था तो कुछ देर वहाँ पे हमने वेट किया, बारिश रुकने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुक रहा था। तो बहुत छोटा सा वीडियो है ये, मैंने बस नम नम में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मैंने आप सबके साथ शेयर किया। एक्चुअली मुझे इस जगह पे बहुत दिनों से आने का मन था, इसका नाम नम नम सुन के मुझे ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँ और देखूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो फाइनली मैं आ गई, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, लाइक जितना होना चाहिए एक रेस्टोरेंट से, जितना एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं बस उतना मुझे मिल गया, तो मुझे अच्छा लगा। एंड यहाँ पे बारिश तो आप देख ही रहे हो, बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, रोड भर में पानी पूरा भर गया था, लेकिन वीडियो को एंड करना पड़ेगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को देखते रहिए वीडियोस, बहुत सारा प्यार दीजिए, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय ऑल द वीडियोज़ इन माई चैनल। लास्ट वाला जो फ्रेंडशिप डे का वीडियो है उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, उसको भी बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्यार दीजिए। सो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।